नमस्ते एवरीवन, कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और देखिए, आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, इस साइड से बादल आ रहे हैं। वैसे आज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम कुमार ने आज अलर्ट किया है कि उत्तराखंड के कई जनपदों में आज बारिश हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि पहाड़ी मिठाई किस तरह से बनती है, तो इसीलिए आज मतलब हम लोग अभी पलछाला जा रहे हैं। पलछाला मतलब हमारे गांव की वो वाली साइड, उसको हम लोग गढ़वाली भाषा में बोले तो पलछाला, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मैंने आपको बीते ब्लॉग में बताया था कि हमारे गाँव में एक बड़ी सी पूजा होने वाली है, तो इसी के लिए पहले मतलब ना मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं जो मतलब अरसे होते हैं ना, ये पहाड़ों की शुभ मिठाई मानी जाती है, तो इसलिए सबसे पहले अरसे बनाए जाते हैं। और कुछ आजकल तो बालूशाही भी बनाए जाते हैं, तो वही उसके लिए तो बाहर के मतलब हलवाई लोग आते हैं, लेकिन अरसे जो है कि गांव के ही लोग बनाते हैं। तो मेरी मम्मी लोग सुबह सुबह चले गए थे वहाँ अरसों के लिए, जो चावल भिगाए रहे थे उनको कूटने के लिए, और हम लोग अभी जाएंगे तो जो बचे होंगे वो हम लोग मतलब लड़के लोग कूटेंगे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं उस तरफ। तो अभी मैं और परवीन भाई जा रहे हैं पलछाला के लिए। और बीते दिनों जो बारिश हुई उससे एक फ़ायदा और हुआ है, मतलब ना पहाड़ों में आजकल पहाड़ बिल्कुल हरे भरे हो गए। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मतलब खेतों के साइड साइड में बिल्कुल हरी हरी घास। ऐसा होता था गर्मी के टाइम पे बारिश नहीं आती थी तो पीरूल पड़ा रहता था और जंगल पूरे सूखे होते रहते थे, इससे ज़्यादा आग भी लगती थी। लेकिन इस साल कुछ अलग हो रहा है, मतलब ना इस टाइम पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, अभी भी बारिश हो सकती है। तो देखिए भाई, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इतना बड़ा देखिए काफुल के भी यहाँ ऊपर पेड़ हैं। इस साल एक बड़ी दुर्घटना हुई है, दुर्घटना बोले तो मतलब ना हमारे पहाड़ों में इस साल बहुत ज़्यादा काफुल हुए थे पेड़ों पे, लेकिन जब बीच में एक बार ओलावृष्टि हुई बहुत तेज वाली, तो उससे जितने भी ज़्यादा मतलब पके हुए काफुल थे वो सारे झड़ गए, तो ये बड़ा नुकसान हुआ। काफुलों का मतलब साल में मतलब एक बार, मतलब दो साल में एक बार बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बार नहीं होते हैं, तो इस साल बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन ओलावृष्टि के कारण सारे काफुल झड़ गए, तो इसकी बड़ी सी दुर्घटना हो गई हमारे पहाड़ में। तो यहाँ पे दोस्तों चाची और मम्मी ने शुरू कर दिया है कूटना। देखिए कुछ ऐसे कूटते हैं इसको, मतलब ये लकड़ी के वो होते हैं और इस पर लोहे की गांज लगी होती है और पत्थर के बीच एक ओखली बनी होती है। और यहाँ पे देखिए ये है चावल, इन चावल को मतलब इनका बारीक सा छाना जाएगा कुछ ऐसा जो आपको दिख रहा है, और उससे बनाए जाएंगे अरसे। तो अभी यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी सब्सक्राइबर संतोषी रावत कूट रही है और उसके साथ साक्षी। और सबसे बड़ी क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी संतोषी मेरी वीडियो व्हाट्सएप में स्टोरी पे भी लगा देती है, मतलब स्टेटस पे, तो इसलिए यही रुकना गलत सुनियो, तुम वीडियो पर ध्यान दिया है तुम खुल ले, तो इसीलिए मैंने उसको बोला ये मेरी सबसे बड़ी सब्सक्राइबर है और ये छोटी वाली सब्सक्राइबर। इंदिगो यहाँ पे देखो दामनी के हाथ पे कितने बड़े बड़े छाले लग गए हैं और साक्षी के हाथों में भी पड़ गए हैं छाले, नहीं दिखेंगे मेरे छोटे छोटे। चलो चलो चलो, आप भी यहाँ पे हाई कर दो। तो दोस्तों ऐसा कुछ सीन है, मतलब गांव की सारी महिलाएं एक जगह में इकट्ठा होकर कूटती हैं। वैसे हमारे गांव में बड़े बड़े चौक नहीं है, छोटे छोटे चौक हैं, तो छोटे छोटे चौक में अलग अलग जगह में बांटे गए हैं। लगभग मतलब कितने 20 मतलब 40 किलो मतलब चावल भिगाए थे और 40 किलो चावल हमारे गाँव की महिलाएं कूटती हैं। ज़्यादा महिलाएँ नहीं हमारे गाँव में, लगभग 10 से 15 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 10-12 महिलाएं ही होंगे। तो कुछ हम लोग लड़के लोग जो है कि उनकी हेल्प करते हैं, तो आधा लोग जो है कि ऊपर कूट रहे हैं उनकी भी मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, मतलब अलग अलग मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों में बांट रखे हैं, तो इनके पास कुछ इतने थे इन्होंने कूट लिए हैं। देखिए ताई चाची और ये है मीनू और आशीष भाई और चाची लोग यहाँ पे कूटे हैं, इन्होंने ख़त्म कर दिया है सबसे पहले, मतलब इन्होंने ही ख़त्म किया है। जल्दी कूट दें। अच्छा तो ये घर है मेगा लोगों का,
तो यहाँ पे मीनू ने भी ब्लॉग बनाया होगा, बनाया थे तो इसका ब्लॉग भी देख देना आप। मीनू ने ब्लॉग बनाया, अब इससे अच्छी शुरुआत आगे चली जाएगी। अच्छी मतलब एक मैंने एक की शादी, दूसरे मैंने दूसरे की शादी। तो मैंने आपको बताया था कि तीन जगह में कूटे हैं, तो यहाँ के वालों ने तो कूट लिया है। अब नीचे लेके चलते हैं, वहाँ पे भी चाची लोग कूटे हैं, आपको बताते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मतलब एक गुजराती बॉय है, हाँ, मेरा दोस्त है और सब्सक्राइबर भी है, तो यूट्यूब के ही जरिए हमारी दोस्ती हुई थी। तो उसने कहा था जब भी तुम कभी फ्यूचर में गुजरात आओगे तो मेरे लिए क्या लेके आओगे, तो मैंने उसको बताया था कि मैं आपके लिए पहाड़ी मिठाई लेके आऊँगा, अरसे। तो अरसे कुछ ऐसे ही बनते हैं, चावल को भिगाया जाता है और ओखली में कूटा जाता है सबके द्वारा, तो उसके बाद यही पहाड़ी मिठाई होती है। वैसे तो जलेबी को भी पहाड़ी मिठाई माना जाता है, पर अरसे नंबर वन पर होते हैं। तो यहाँ पे चाची लोग भी कूटे हैं, मैंने आपको बताया था कि तीन जगहों में बांटे हैं। तो ये आखिरी वाली चौक है और यहाँ पे हमारी ताई लोग भी आ रखे हैं अरसे कूटने के लिए, मतलब चावल कूटने के लिए। और चाची झांसी, मतलब ताई लोग झांसी से आ रखी हैं, और चाची मतलब ताई मेरी कंटिन्यू वीडियो देखती रहती हैं। तो कुछ बोलना चाहती हो ताई आप? अरे मैं क्या बोलूं, मैं बोल गई कुल दिन का वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मार देना उसको। बाकी मैं क्या बोलूं, तेरा भविष्य उज्जवल हो। अरे मेरे हाथ में भी छाले हमारे भी पड़ गए, मैंने मेहंदी लगा रखी थी फिर छाले मेहंदी ऐसे छाले में मेहंदी हो गई पूरी मिक्स हो गई। अरे गाँव खराब हुई यार कुल दिन। लेक्चर जी दिख रहे, लेक्चर जी ज्यादा कुछ लेक्चर जी वो भी दिख रहे, लेक्चर जी गॉन्ग भी दिख रहे मतलब। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी बर्तन साफ कर रहे हैं देवता के। ताऊ जी का पैर ट्रेन में बस में सफर करके दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा पूजा के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों देवता के बर्तन भी साफ हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अभी पूजा होगी ना, तो उसके लिए मतलब देवता के जो संघ वगैरह सब हैं सब धुल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे गांव के सबसे आखिरी टीम खाना खा रही है अभी, इससे पहले सभी गाँव वालों ने खा लिया। वैसे गाँव में बहुत सारे लोग तो नहीं है, पर जो छोटे छोटे है ना, ये देख लीजिए आप, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, हमारे रवि भैया, अभी देखिए मैं सबका इंट्रो करा था। संतोषी, रवि भैया, हिमांशु, उत्तम रावत, अति उत्तम, और दामिनी, परवीन, दीपू, कुश रावत और आशीष रावत, और यहाँ पे हैं हमारे अर्जुन भाई, दूसरे यूट्यूबर, हमारे यूट्यूबर भाई अर्जुन, और यहाँ पे हमारे देव भैया, हमारे गांव के सबसे बड़े भैया और पहाड़ी ट्रेनर देव रावत नाम से इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, और ये काफ़ी लोगों को मतलब ना फिजिकल फिटनेस की तैयारी करवाते हैं, और उसमें से कई सारे लोग मतलब निकले भी हैं। तो भैया कुछ बताना चाहेंगे आपको? भैया पहाड़ जैसा सुकून कहीं नहीं है, पहाड़ जैसी हवा कहीं नहीं है। मैं झांसी में रहता हूँ, अभी इतनी गर्मी है, इतना मौसम है, लेकिन जब से आया हूँ इतना सुकून है, इतनी ठंडी हवा, इतना अच्छा वातावरण है, कितनी रौनक है, सब लोग मिलजुल के कितना अच्छा खाना खा रहे हैं। और हमारा कुलदीप ये सारी अपडेट देता रहता है हमें, गाँव की सारी जानकारी देता रहता है हमें, उत्तराखंड के बारे में न्यूज भी डालता है। तो आप लोग इसका चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सभी को नमस्ते। तो मैं आपको मतलब मेंशन में भैया का चैनल भी देखा दूंगा, आप देख सकते हैं भैया मतलब इतने सारे लोगों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं। भैया भी पहले मतलब इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे, मतलब कुछ कारणों से उनका नहीं हो पाया उस टाइम, लेकिन मतलब ना उनके जरिए बहुत सारे लोग लड़के जो है कि इंडियन आर्मी में निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी कि हमारे गांव के सबसे बड़े भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक गुरु बनना बहुत बड़ी बात होती है, एक शिष्य तो मतलब हर कोई बन जाता है, लेकिन एक बड़े कोच टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो इनका चैनल मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं भैया का चैनल। तो दोस्तों यहां पे हमने सुबह चावल कूटे थे, और वो फर्स्ट टास्क था कि मतलब भिगा हुए चावल सबसे पहले मतलब कूटे जाते हैं, तो मतलब एक दिन पहले उनको भिगाया जाता है, और भिगाने के बाद उनको छाना जाता है, और उसके बाद उनको मतलब गुड़ का पानी बनाया जाता है, और उसके साथ उनको मतलब घुला जाता है, उसके बाद उस मिठाई को तेल के साथ बनाया जाता है। तो हमारे गांव वाले यहां पे उस मिठाई को अभी बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पे सभी चाची लोग देखिए यहां पे बना रहे हैं, चाची, ताई, मम्मी सब।
तो मिली हमारी सबसे बड़ी भाभी से, मैंने अभी आपको देव भैया बताए थे, तो देव भैया की वाइफ ना ना गुड चाची कुछ बोले, गुड चाची कुछ बोले, तो यहाँ पे देखिए कारीगर भैया लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बुलाने को बालूशाही बना रहे हैं, ये तो हर जगह मिल जाती है ये वाली चीजें। हाँ बालूशाही को मतलब बालूशाही को गांव वाले नहीं बना पाते हैं, इसलिए बाहर से हलवाई बुलाए जाते हैं मतलब बालूशाही बनाने के लिए। तो देखिए और हमारे कुछ भाई लगे हुए हैं बालूशाही बनाने में, और बामण जी और भैया जो कि कारीगर हैं। चावल जो हमने कूटे थे ना वो ये हैं, मतलब इसमें गुड़ का पानी मिलाया गया है और कुछ इस तरह से हाथों से तेल में बनाया जाता है, अरसे बोलते हैं, जिसको हम अरसे बोलते हैं। तो मतलब जो गांव के होंगे उनको तो पता ही होगा कि अरसे मतलब पहाड़ी सबसे शुभ मिठाई मानी जाती है, लेकिन पहाड़ों को मैं बता दूं कि पहाड़ों में मतलब अरसे को शुभ मिठाई इसलिए माना जाता है क्योंकि ना, तो बोड़ी जी भी मेरी वीडियो देखती है, तो मतलब ना मैं क्या कह रहा था आपको, इसलिए मतलब अरसों को शुभ मिठाई इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी हमारे गांव में कोई कार्यक्रम होता है, जैसे शादी होती है या फिर कोई पूजा होती है, तो उस दौरान सबसे पहले अरसे बनाए जाते हैं, जो भी मेहमान आते हैं गांव में, और उसके बाद जो मतलब गांव की मेहमानों की मतलब विदाई होती है ना, तो उनको मिठाई के तौर पर अरसे दिए जाते हैं। ये रिवाज मतलब पहले से ही चलता आ रहा है उत्तराखंड में, और मैं होप करूँगा कि मतलब आने वाले टाइम में भी आने वाली पीढ़ी भी इस रिवाज को चालू ही रखेगी। तो देखिए आप इंजॉय कीजिए इस छोटे से ब्लॉग को। तो जैसे ही दिन का भात हम लोगों ने खाया, तो उसके बाद मम्मी लोग तो अरसे बना रहे थे, लेकिन हम जो है कि और लोग इधर उधर का काम कर रहे थे। उसके बाद मैं घर चला गया था, और दिन के टाइम पे मैंने अपनी गायों को निकाला, लेकिन दिन के टाइम पे कुछ ऐसा सीन हुआ कि 11 बजे के बाद फिर से बारिश होने लग गई। तो जैसे कि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि आज के दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो वो अलर्ट बिल्कुल सटीक रहा दोस्तों, पहाड़ों में एक झमाझम वाली एक बार फिर से बारिश होने लग गई है। इससे गर्मी से मतलब कहीं देहरादून साइड हरिद्वार साइड जो मतलब लोगों को गर्मी हो रही होगी उससे वहाँ जरूर राहत मिलेगी। क्या पता देहरादून में भी आज बारिश हुई होगी, वहाँ भी कल मौसम अंधेरा सा था, हमारी राजधानी उत्तराखंड की देहरादून। तो मतलब जैसे ही बारिश होती है तो बारिश को भी शुभ माना जाता है कि पूजा से पहले भाई बारिश हो गई, तो देवता लोग जो है कि नहा के आ चुके हैं ऐसा भी बोला जाता है, और जैसे ही मतलब पूजा का एंड होगा और उसके बाद बारिश होगी तो ऐसा बोलेंगे कि देवता जो लोग जो है कि नहा के चले गए हैं। तो हमारे पूर्वजों की अलग अलग रीत होती है हमारे पहाड़ों में खूबसूरत रीति रिवाज के साथ। तो अगर आपको ये दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल।